सब लोगों के मन में एक ही सवाल है कि अभी तक गेम का कोई अपडेट क्यों नहीं आया है, या फिर जब से गेम के बारे में ये सब खबरें फैलने लगी है कि गेम ऐप स्टोर से गायब हुआ है या फिर प्ले स्टोर से गायब हुआ है, तब से गेम का क्या अपडेट है? क्या फ्री फायर इंडिया चैंपियनशिप हो रहा है? बीच में डिस्कॉर्ड पे उन्होंने डिस्कॉर्ड सर्वर पे गरीना ने एक डाला था जहाँ पे स्केड्यूल रहा था, जो रिपोर्ट कह सकते हो कि जो उनके क्लोज क्वालिफायर होने थे वो टू बी डिसाइडेड कर दिया गया था। जो मेन लीग से जिसके थे वो होने वाला था 11 तारीख से ही, जो रेगुलर डेट था मार्च का, अब उसको भी हटा दिया गया है। तो बहुत लोगों के मन में एंड इंस्टा पे भी काफी लोग मैसेजेस कर रहे हैं कि सर कोई अपडेट है क्या फ्री फायर इंडिया चैंपियनशिप का, क्या फाइनली हो रहा है? कुछ लोग बोल रहे हैं कि एफएससी मोड फिर से होने वाला है, लाइक बहुत कुछ मतलब स्पेकुलेट किया जा रहा है। बहुत लोगों के मन में यही कॉमन सवालें चल रही हैं। अब देखो, मैं शायद से सब सवालों के आंसर तो ना दे पाऊँ आप लोगों के, क्योंकि उतना ठोस प्रूफ मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आपको गरीना या तो गवर्नमेंट दे सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी अभी तक उनके ऑफिशियल सर्वर पर जो प्रेस रिलीज करते हैं वहाँ पे अभी तक कुछ प्रेस रिलीज नहीं है कि फ्री फायर बैन हुआ है। तो मतलब मैं लिटरली बहुत निराश हूँ इस बात से कि अभी तक कोई प्रेस रिलीज क्यों नहीं आया है। हमें यार, अगर गेम इस गेम के साथ ये हुआ है, हमें एटलीस्ट पता तो चलना चाहिए ना कि गेम किस रीजन के वजह से ये सब चीज़ें फेस कर रहा है। डेटा हो, जो भी हो, एटलीस्ट कुछ भी हो, चाइल्ड पॉलिसीज हो, एनीथिंग कुछ भी हो, एटलीस्ट हमें पता तो लगना चाहिए गवर्नमेंट के साइड से, या फिर गरीना भी एक छोटा सा मैसेज अगर हमें पास ऑन कर दे तो हम भी एज व्यूअर्स, एज फ्री फायर लवर्स, एज सिंपली गेम के प्यार के साइड से मैं बोल रहा हूँ कि हम भी थोड़ा रिलीफ फील करें एंड हम भी थोड़ा सा चलो वेट कर लेते, बैठ लेते। देखो अभी भी मैं यही कहूँगा कि वेट तो करना ही पड़ेगा, वेट करने के अलावा हमारे पास कोई चॉइस नहीं, क्योंकि जब तक गरीब नहीं आता, जब तक गवर्नमेंट से कोई कुछ ना कह दे, कुछ हम लोग खुद से तो नहीं कर सकते। अब धीरे धीरे ना काफी ज्यादा वो भी एक और सवाल जो मन में चला सब लोगों का कि देखो फ्री फायर का नाम अगर उस लिस्ट में है, मैक्स का नाम तो नहीं है, तो मैक्स अभी भी आप खेल सकते हो रेगुलरली। तो अब मैक्स एक ऐसा वर्जन बन चुका है गेम का जो बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है, बट प्रॉब्लम उसमें भी है कि बहुत लोग डाउनलोड नहीं कर सकते क्योंकि उनके 2GB वाले रैम वाले फोन में तो नहीं चल सकता है, क्योंकि मैक्स का थोड़ा सा जो वेटेज है, जो ऐप का साइज है, वो थोड़ा बड़ा है रेगुलर फ्री फायर से। तो ये जो नॉर्मल छोटे छोटे बच्चे थे जो 2GB वाले फोनों पे खेलते थे वो नहीं डाउनलोड कर पाएंगे। ई-स्पोर्ट्स शायद चालू रख सकता है। अब सडनली आज के दिन पे एक अपडेट आता है, क्योंकि मैंने आई थिंक एफएफ कॉम्पिटिटिव का पेज खोला, मैंने देखा कि उन्होंने पोस्ट डाला कि जहाँ पे एफएफ ई-स्पोर्ट्स इंडिया मैच कर चुका है अपना इंस्टाग्राम पेज जो है, एंड मैंने जाकर खोल के देखा कि यस, फ्री फायर इंडिया का जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज है वो मैक्स हो चुका है, ठीक है, एंड डिस्कॉर्ड भी फ्री फायर इंडिया मैक्स हो चुका है। अब देखिए, बहुत लोग ऐसा कह रहे थे कि फ्री फायर जो इंडिया चैंपियनशिप होने वाला, जो कह सकते हो कि फ्री फायर का इंडिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, जिससे रिलेटेड बहुत सारे छोटे मोटे टूर्नामेंट्स हो जाते हैं, या फिर उनके ही आप कह सकते हो कि टूर्नामेंट्स होते हैं, क्योंकि ये मेजर्स में गिने जाते हैं। फ्री फायर इंडिया चैंपियनशिप इंडिया में मेजर्स में गिने जाते हैं, प्रो लीग तो फिर भी आप माइनर कह सकते हो, बट स्टिल दे आर प्रोफेशनल टूर्नामेंट, बट फिर भी वो माइनर्स में आ जाते हैं। मेजर्स में आपकी फ्री फायर इंडिया चैंपियनशिप ही होता है फॉल एंड स्प्रिंग दोनों, क्योंकि ये अनाउंस हो गया था, अभी तक कुछ अपडेट नहीं आया क्लोज क्वालिफायर्स के बारे में। तो बहुत लोग बोल रहे थे कि फ्री फायर मैक्स पे होने वाला है। अब गरीना ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे अगर वो मैक्स पे कर दिया, एंड बहुत दिनों से वो सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट नहीं आ रहा, सब कुछ इनएक्टिव है बहुत ज्यादा, एंड सडनली ये पॉपअप होना थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव न्यूज होता है। फिर भी हम वही है ना, कुछ छोटा छोटा चीज देखो खुश हो लेते हैं हम लोग। जब डिस्कॉर्ड ऑफिशियल डिस्कॉर्ड सर्वर पे जब वो आया था तब भी हम खुश हुए थे, आज भी हमने जब वो देखा तब भी हम खुशी हो रहे कि कुछ पॉजिटिव स्टेप्स हम कह सकते हैं। अब आप लोगों के जो मन में चल रहा है वो जरूर से मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए, मैं पढ़ना चाहूंगा। बट एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ दिस कम्युनिटी मैं तो आप लोगों के लिए एक ही चीज बोलूंगा, यार थोड़ा सब्र करो। ऐसा नहीं है कि गेम के लिए गवर्नमेंट के साइड से या फिर गरीना के साइड से कोई काम नहीं चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। वो जरूर से कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो हमारे साथ शेयर नहीं किया जा सकता, इसीलिए हमें अभी अंधेरे में रखा गया है। बट ट्रस्ट रखो, मैं बोलूंगा ट्रस्ट रखो, फेथ रखो, ताकि वो भी एक सुलझाव हमारे लिए ला सके। वो भी कोशिश कर रहे हैं, उनको भी पता है कि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, इसके कारण बहुत ज्यादा उनकी जो पेरेंट कंपनी सी लिमिटेड 13% शेयर जो है कम चल रहा है, मंडे से बहुत ज्यादा धड़ाधड़ शेयर के प्राइसेस गिर रहे हैं। तो उनको भी पता है कि उनको भी इंडिया में वापसी करनी है और बहुत जल्दी करेंगे, तो वो भी कुछ ना कुछ अच्छा पॉजिटिव मैसेज के साथ जरूर से वापस आएंगे। आई थिंक वो छोटा सा मैसेज
जो इंडिया फ्री फायर इंडिया मैक्स हुआ है वो सोशल मीडिया हैंडल्स को वो देख के थोड़ी सी खुशी मिली एंड मुझे लगा कि यार जब भी खुशी मिलता है या फिर दुख होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ तो ये मोमेंट मैं आप लोगों के साथ क्यों ना शेयर कर लूँ। तो यस ये भी वीडियो को समाप्त करूँगा। आई होप कि आप लोगों को फिर से ये चीज सुन के आप लोगों के मन में थोड़ी बहुत होप्स फिर से जागी है, थोड़ी बहुत खुशियाँ फिर से जागी है। देखिए जब से ये फ्री फायर का चल रहा है ना तो काफी सारे थर्ड पार्टी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स हिट खा रहे हैं कि उन्हें इन्वेस्टर्स नहीं मिल रहा है टूर्नामेंट बड़े बड़े टूर्नामेंट्स आगे आके पुट अप करने के लिए। तो दिस इज अ प्रॉब्लम जो हमारी फ्री फायर कम्युनिटी अभी के लिए फेस कर रही है। कोई टूर्नामेंट नहीं हो रहा है कोई हमारे लिए क्योंकि हम स्पेसिफिकली ई स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं ऑल ओवर फ्री फायर के साथ ई स्पोर्ट्स के साथ बहुत ज्यादा कनेक्ट करते हैं क्योंकि हम कास्टर्स भी हैं कि हम भी कहीं ना कहीं उनके एम्प्लॉयज हैं तो हम भी कहीं ना कहीं अपने लाइवलीहुड के साथ बहुत ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं। सो यस दिस इज द थिंग जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। यही वीडियो समाप्त करना चाहेंगे। आई होप आप लोग सही हैं सब लोग नो एक ही चीज कहना चाहूंगा हंसते रहिए गाइस मुस्कुराते रहिए स्टे सेफ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।